वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे, मजे में होंगे, फिट फाट होंगे। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जिसने पूरी कायनात बनाई, मुझे बनाया, आपको बनाया, और उसी के नाम से ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैंने आज जो है ये क्लियरली इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि ये जो 2023 की पॉलिसियाँ हैं वो लोन एप्लीकेशन की क्या हैं, 2022 में क्या थी, ये सारी आज इस वीडियो में मैं बताऊँगा आपको। आपने वीडियो को मिस नहीं करना, फुल वीडियो को वॉच करना है। मैं आपको एक बात बताऊं कि देखें, जो मेरा व्हाट्सअप नंबर था वो मैंने अभी जो है ना बंद कर दिया है। वजह क्या है? वजह यही है कि देखें, हर बंदा आके वही पुराना सवाल पूछता है कि भाई ये लोन एप्लीकेशन वाले पुलिस में तो नहीं डाल सकते, पुलिस तो घर नहीं आ सकती, और तो और ये जो है ना हमारा यानी कि डेटा, तो ये जो है हमारा यानी कि इससे हमें क्या क्या नुकसान होंगे, और तो और ये जो हमारा शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक होगा, हमारा पासपोर्ट ब्लॉक होगा, या पुराने ही पुराने सवाल। और उसके बाद ये कि भाई आप हमें ये बता दो कि हमें कॉल्स आ रही हैं, हम क्या करें, अब हमें फ़ोन आ रहे हैं, हम क्या करें। मैं आपको एक बात बताऊं, क्लियर, देखें ये जो मसले हैं इनको आपने खुद हल करना है। अब मैं तो आपके मोबाइल में नहीं हूं ना, मैं तो आपको नहीं जानता ना ठीक तरीके से कि आपके बाहर कॉन्टेंट क्या हैं और घरेलू मसले मसाइल क्या हैं, मैं तो नहीं जानता ना, ये आप जानते हैं। आपने अपनी फैमिली को जो है मुतमैन करना होता है, आपने अपनी फैमिली के जो भी बातें आपने उनको बतानी है वो आपने बतानी है, किस तरीके से गाइड करना है आपने वो भी मैंने आपको बताया हुआ है काफी वीडियो में, इन मसले के जो ना मैंने बहुत ज्यादा हल बताए हुए हैं, आपने खुद करने हैं। अब मैंने तो नहीं करने ना, अब मुझे कोई आगे व्हाट्सएप पे ये मैसेज करेगा यार मुझे कॉल आ रही है, यार आप बताएं मैं क्या करूं, आप इनको रोक लें। देखिए मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं उनको कुछ भी नहीं कर सकता, ना कुछ उनके खिलाफ मैं लड़ाई कर सकता हूं। मेरा काम सिर्फ सोशल मीडिया पे है। सोशल मीडिया का मतलब ये होता है कि आपकी आवाज आगे तक पहुंचाना और इनके खिलाफ खड़ा होना, जद्दोजहद करना, ये मैं कर सकता हूं ना। मैं कोई, मेरे पास कोई इतनी बड़ी फोर्स है जो उनके खिलाफ में जाके एक्शन लूं, दुआएं कर सकते हैं और जो हिम्मत अल्लाह ताला ने दी है उसे इस्तेमाल करके उनके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। मैं भी खड़ा हो सकता हूं, आप भी खड़े हो सकते हैं, अगर आप में हिम्मत है तो आप भी हमारे साथ खड़े हो सकते हैं। यानी कि ये लोन एप्लीकेशन के खिलाफ हम इस तरीके से लड़ सकते हैं। अगर आपको कॉल आती है या धमकियां आती हैं या किस तरीके का कोई मसला मसाइल आता है, तो इनके लिए मैंने आपको बताया कि जो जो आपके नंबर हैं आपने उनसे पहले रब्ता करना है, या फिर आपके फैमिली जो मेंबर हैं उनको आपने हैंडल करना है, बस। और क्या करना है, यही तो तरीका है, और क्या है, वो आपने खुद करना है, मैंने नहीं करना। अब देखें प्लीज, मैं इसलिए व्हाट्सअप ऑन नहीं कर रहा क्योंकि मैं एक दिन में 100 से 200 बंदे मुझे सिर्फ यही मैसेज करते हैं, मैं अब किस किस को एक एक जवाब दूं, इसलिए मैं वीडियो बना के अपलोड करता हूं चैनल पे ताकि आप वो वीडियो देखें और मुझसे वो सवाल यानी कि वो सब देख लें, एक ही सवाल का जो जवाब होता है हर किसी के पास चला जाए। तो वीडियो अपलोड करने का मकसद सिर्फ यही होता है। अब बात करते हैं 2023 लोन एप्लीकेशन के बारे में। देखें वो जो 23 की जो अपडेट्स अभी तक जो चल रही हैं, मैं आप बात करूंगा जो अभी तक अपडेट चल रही है, मैं ये नहीं कह रहा कि आने वाले दिनों में भी यही होंगी, आने वाले मुस्तकबिल में भी यही होंगी, नहीं, जो शुरू से लेके अभी तक आज के दिन तक, कल क्या अपडेट आए, परसों क्या अपडेट आए, उसके लिए हम अलग से वीडियो बना के अपलोड करते हैं। तो देखें जो अभी तक अपडेट चल रही है लोन के खिलाफ, वो ये है कि अब भी वही पुरानी पॉलिसियां हैं। जाहिर अब जो है ना, जैसे मैंने आपको बताया था, बर वक्त वाले जो लेसन के पीछे पड़े हुए हैं, लेसन के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद करके रखी है, मगर क्या है कि वो इनका मिसाल ऐसे ही है कि बिच्छू की तरह जब तक डंग ना मारे ना तब तक इनको चैन नहीं आता। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सादगी भी अपनाई हुई थी बर वक्त एप्लीकेशन वालों ने, मगर क्या है कि फिर भी ये इनके जो नुमाइंदे हैं या इनसे जिन्होंने लोन लिया है उनसे उन्होंने बदतमीजी तो करनी है। काफ़ी ज़्यादा ये यानी कि शिकायतें आ रही हैं कि बर वक्त एप्लीकेशन वाले भी बहुत ज्यादा बदतमीजियां और डेटा लीक की धमकियां इस तरह के काम कर रही हैं। तो लिहाजा इनको भी अभी तक यानी कि जो लेसन्स है यूं समझ लो कि उन्होंने हाथ में लेने ही वाले ही हैं, मगर क्या है कि थोड़ी सी अवाम का जो ये शोर है, जो अवाम का ये जो जोर है, हो सकता है उसी वजह से ये थोड़ा रुका हुआ है। तो आपने ही खड़ा होना है हमारे साथ, हमने खड़ा होना है आपके साथ। तो यही उनकी पॉलिसियां हैं, अब भी आपके घर नहीं आ सकते, अब भी आपके घर पे पुलिस नहीं आ सकती, पुलिस आपको कॉल नहीं करती, क्योंकि आजकल कॉल भी आ रही है पुलिस वालों की, वो भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि ये जो कॉल कर रहे हैं ये फेक पुलिस वाले हैं, ये रियल नहीं है। तो लिहाजा आप इन चीज़ों से ना थोड़ा सा होशियार रहा करें। वीडियो हम इसलिए बना दिया ताकि आपको पता चले कि क्या क्या फेक करते हैं ये लोन एप्लीकेशन वाले और क्या क्या ये रियल होता है। और तो और ये आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई फिलहाल नहीं कर सकते, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। अब जैसे कि कोई एक बड़ा यूट्यूबर या कोई छोटा सा यूट्यूबर मेरी वीडियो देखे या
उसकी नकल उतार के या कोई उल्टी सीधी आपको ऐसी बता दे तो इन्फॉर्मेशन, उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। मैं सिर्फ वो बात इसी चैनल पे जो मैंने वीडियो बनाई है इसका मैं आपको जवाब दूंगा। तो इसका जवाब यही पुराना अभी तक ही है कि अभी तक लोन एप्लीकेशन वाले आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, सिवाय आपको कॉल धमकियां के बावजूद ये कर सकते हैं। आपने इनका ख्याल रखना है और आपने कुछ नहीं करना। बाकी जैसे सीक्रेट तरीके होते हैं थोड़े बहुत, जैसे हमने आजमाए हुए हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लोन की किस तरीके से लोन लेना है वो भी आपको काफी ज्यादा वीडियो मिलती होंगी इस चैनल पे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको कैसी लगी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।